भोपाल उत्तर विधानसभा सीट पर घमासान मचा हुआ है। अभी यहां से कांग्रेस के आरिफ अकील विधायक हैं, अब यहां से उनके बेटे आतिफ अकील कांग्रेस प्रत्याशी हैं। इसके बावजूद उनके भाई आमिर अकील भी निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। चाचा भतीजे के बीच मुकाबले से भाजपा के आलोक शर्मा को फायदा मिल सकता है। राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा से एक ही परिवार से चाचा और भतीजे ने नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि उत्तर विधानसभा सालों से कांग्रेस का गढ़ रही है और यहां से कांग्रेस के आरिफ अकील चुनाव जीतते रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने आरिफ अकील के पुत्र आतिफ अकील को टिकट दिया है। वहीं इससे खफा होकर आरिफ अकील के भाई आमिर अकील का कहना है कि कांग्रेस ने मेरे साथ छल किया है क्योंकि मेरा नाम लिस्ट में था। आखिरी तक कमलनाथ यही कह रहे थे कि आपका नाम मेरी लिस्ट में है, बाद में मुझे टिकट ना देकर मेरे भतीजे को टिकट दे दिया गया। मैं निर्दलीय फॉर्म भर रहा हूं और मुझे क्षेत्र की जनता पर भरोसा है कि मैं चुनाव जीतूंगा। वहीं दूसरी ओर आतिफ अकील का कहना है कि वो मेरे चाचा हैं और मेरे चाचा मेरे पिता का कहना मानते हैं, वो हमसे अलग नहीं है। मेरे पिता ने क्षेत्र की जनता के लिए सालों से काम किया है और हम आगे भी विकास करेंगे। नौबत ये है, कमलनाथ जी ने जो सर्वे कराया था उस सर्वे के अंदर आप लोग भी भली बाती जानते हैं, भास्कर ने तो छापा भी था कि आमिर अकील का नाम सर्वे पर ही है और उसके बाद भी मेरा टिकट नहीं मिलता, तो यकीनन कोई ना कोई प्रेशर रहा होगा पार्टी के ऊपर जो उन्होंने मेरा टिकट काटा। और मैं 30 साल से लोगों की खिदमत कर रहा हूँ तो फिर क्यों ना जाऊँ उनके बीच में। देखो जिस तरह से लोगों का मामलेदारी मोहब्बत है, आप खुद जानते हो, आपको तो खुद ही सर्वे करा है, आपने तो खुद लोगों से पूछा है, फिर आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हो कि आमिर किस नंबर पे आएगा। आमिर अकील इंशाल्लाह पहले नंबर पे था, पहले नंबर पे है और इंशाल्लाह पहले नंबर पे ही रहेगा। फिर है रन की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।